बीते कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर और पंजाब से लेकर दिल्ली तक में आतंकी हमले की साजिशों का खुलासा हो चुका है और इन मामलों में कई आतंकियों की गिरफ्तारी भी हुई है। भारत की खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तानी आतंकी संगठन के इन साजिशों का अंदेशा पहले से था। अब भारत के खिलाफ पाकिस्तानी आतंकियों की साजिश को लेकर अमेरिका ने भी आगाह किया है। अमेरिका ने भारत को आतंकी हमले को लेकर चेताया है। अमेरिका ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा छीनने के बाद भारत पर आतंकी हमलों का खतरा बढ़ गया है। भारत प्रशांत सुरक्षा मामलों के सहायक रक्षा मंत्री रेडल साइवर ने कहा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन भारत पर हमले की ताक में है। अगर पाकिस्तान आतंकी गुटों पर लगाम कसने में नाकाम रहा तो ये आतंकी गुट भारत में हमला कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका भी मान चुका है कि कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान किसी भी हद तक गिर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने भी अपना खुफिया तंत्र सक्रिय कर दिया है। उन्हीं से मिली जानकारी के आधार पर अमेरिका ने भारत को आतंकी हमलों को लेकर अलर्ट किया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक और बड़ा पर्दाफाश किया। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने पिछले 15 दिनों में पाकिस्तान की मदद से आतंकियों के 2 लॉन्च पैड तैयार किए हैं। आतंकियों के घुसपैठ के लिए दोनों लॉन्चिंग पैड सलहन इलाके में खोले गए हैं। पहला लॉन्चिंग पैड कारी जुबैर मंधेर बटालियन के पीछे बिम्बरगली सेक्टर में, जहां 15 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरा लॉन्चिंग पैड मटरियान इलाके में गंभीर बटालियन के पीछे बिम्बरगली सेक्टर में ही, जहां 30 आतंकवादी मौजूद हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम इन आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में है। पाकिस्तान इन आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराकर आतंकी हमला कराने की ताक में है।